तो आज की रेसिपी है बंगाली फेमस डिश ढोका डालना। ढोका डालना की रेसिपी आप सबको पता है, मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिन्हें नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए कि ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। बहुत ही अच्छा एक वेज डिश है जो कि आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चने की दाल जो मैंने पानी ड्रेन आउट कर दिया है, साथ में लिया है स्प्लिट पी जो कि मटर दाल के नाम से जाने जाते हैं, वो भी मैंने हाफ कप भिगो लिया है और पानी ड्रेन आउट कर दिया है। और पीसने के लिए मैं साथ में दूंगी ये नारियल, वही है फ्रोजन वाला, तो यहाँ पे नारियल देना है हमें 2 बड़े चम्मच, यानी टेबल स्पून के अगर ले तो फिर 3 टेबल स्पून के करीब चाहिए। और अदरक चाहिए एक छोटा सा टुकड़ा, और ग्रीन चिली जो हरी मिर्चे हैं वो अपने स्वाद के अनुसार। मैं थोड़ा सा इसमें लहसुन ऐड करती हूँ, अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो आप लहसुन नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं, वैसे सब्जी में मुझे ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ग्राइंडर जार ले लिया मैंने, सबसे पहले मैं दे रही हूँ ये नारियल और अदरक, फिर मैं दे रही हूँ ये लहसुन, ये ऑप्शनल है आप दे भी सकते हो, ना भी दो कोई प्रॉब्लम नहीं, और हरी मिर्च, और ये 2 दाल मैं दे दूंगी इसमें। चने की दाल के बाद ये मटर की दाल जो अभी मैं इसमें दे रही हूँ, इसे हमें दरदरा पीसना है, यानी कोर्सली हमें पीसना है, इसमें पानी बिल्कुल डालना ही नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ये नहीं हो रहा है तब थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी, कोशिश कीजिए कि बिना पानी के इसे पीस लें। तो चलिए अभी पीसने, तो पीसने से पहले हम देंगे इसमें 1 चम्मच के करीब नमक, 1 या 2 चम्मच, इसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्जी जब ग्रेवी बनेगा तब भी इसमें नमक जाएगा, तो इसलिए अभी इतना ही। और चाहिए 1 चम्मच, छोटा चम्मच बिल्कुल, ये 1/2 टीस्पून के करीब ये जाएगा चीनी इसमें, सभी इसको हम पीस लेते हैं। तो ये मैंने पीस लिया है, देखिए बिल्कुल ड्राई ड्राई, ये रनी नहीं होना है, हमें इस तरह से इसे पीसना है। तो चलिए अभी इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे पैन मैंने रख दिया है गरम करने के लिए, एक नॉनस्टिक पैन लिया है मैंने, और यहाँ पे दे दूंगी जीरा, फिर मैं दे रही हूँ थोड़ी सी तेल, ये ऑप्शनल है पर ये देने से अच्छा लगता है, ये हल्का सा फ्राई हो जाए। तो जीरा और तिल जो है हल्का सा फ्राई हो गया है, इस टाइम मैं दे रही हूँ थोड़ा सा हींग, ये 1/2 चम्मच के करीब है, और हल्दी, तो अभी मैं तुरंत ही, हमें हल्दी नहीं जलना चाहिए, तो तुरंत ही हम ये दाल जो पीस के रखे थे वो दे देंगे। कुक कर लेना है ताकि ये दाल का जो है कच्चापन निकल जाए। जब ये पूरा कढ़ाई के साइड से निकल आएगा, एक जगह पे आ जाएगा, तब समझ जाएंगे कि ये दाल जो है जो हमने पीसा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। लगभग 4 से 5 मिनट तक इसे कुक करने के बाद देखिए ये बिल्कुल एक जगह पे आ गया है, इसे हमें और थोड़ी देर कुक करना है ताकि ये बिल्कुल ये शेप में आ सके। तो यहाँ पे पैन मैंने ले लिया है स्क्वायर वाला, रेक्टेंगल वाला, तो इसमें मैं अभी दाल को
पूरा फैला दूंगी दाल का जो हमारा मिक्सचर है। इसको सेट करने के लिए इसीलिए मैंने नीचे तेल लगाया है, इसको सेट करने के लिए नीचे मैंने तेल ब्रश कर लिया है। अभी हम इसको अच्छे से इसके ऊपर सेट कर देंगे। पहले फ्लैट कर लीजिए फिर इसका शेप दीजिए, नहीं तो कहीं पे ज्यादा कम ऐसे हो जाएगा। इस तरह से फिर हम इसे शेप में देंगे। तो इस तरह के स्क्रैपर के सहायता से मैंने इसे एक ट्रे में, रेक्टेंगल वाला ट्रे में मैंने सेट कर दिया, ताकि जब हम इसका पीसेस करें तो कोई भी पीसेस टूटे ना। तो इसलिए मैंने कॉर्नर से भी थोड़ा सा ऑयल लगा के ऐसे करके और साइड में से भी ऐसे कर दिया है, ताकि जब ये सेटिंग हो जाए, क्योंकि एक बार ये सेटिंग हो जाए फिर आप लाख कोशिश करोगे तो इसका शेप नहीं दे पाओगे। और ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि ये ऊपर से ड्राई भी हो जाएगा और चिपकेगा भी नहीं, जैसे हाथ में नहीं चिपकेगा और ये अच्छे से इसका सेटिंग हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये स्क्रैपर लिया है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। ये स्क्रैपर की सहायता से अगर हम इस तरह से ये धोखा डालना बनाएं, इसको सेट करें दाल को, इसी तरह से जब हम सौंदेश बनाते हैं तब भी इसी तरीके से करेंगे तो वो सौंदेश भी बहुत अच्छे से बनेगा। तो चलिए अभी इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए एक बार लुक इसका बहुत ही अच्छा है, इसका लुक। इसे भी ठंडा होने देते हैं। देखिए ये सारा सेट हो गया है। और इस तरह से कीजिएगा तो एक भी खराब नहीं होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है, पर पेशेंस तो चाहिए। ये ऐसे इस टाइप के दाल के अगर हमें पीसेस बनाने हैं तो इसके साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, नहीं तो वो टूट सकता है। फिर भी ये देखिए थोड़ा सा अगर जल्दबाजी करेंगे तो ये साइड से निकल जाता है। तो अब इसको ऐसे रखेंगे और मसाला मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है इसके लिए, जो कि ये बिल्कुल वेज है। वो मैंने लहसुन मिलाया था, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। बाकी ये बिल्कुल वेज प्रिपरेशन है, प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच धनिया, एक चम्मच जीरा, हींग, हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, और साथ में चीनी और एक चम्मच घी, और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला के एक पेस्ट बना लिया गर्म पानी से। देखिए इसका थिकनेस ये ऐसे इस तरीके से। और हमें चाहिए इसमें दही, तो दही में मैंने थोड़ा सा चीनी मिला रखा है ताकि जब हम सब्जी में डालें तो वो इतना खट्टा ना लगे, लेकिन एक अच्छा रिच टेक्सचर आए। और यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच यानी कि टेबलस्पून, दो टेबलस्पून या थोड़े से उसमें से ज्यादा लिया है मैंने, और एक मैं घोल रेडी करूंगी। तो इस टाइप का मैदे का एक घोल हमें चाहिए दाल के जो मैंने पीसेस किए हैं उसको कोटिंग करने के लिए, ताकि जब हम तेल में दे वो साइड साइड से निकल के बाहर ना हो जाए। बाइंडिंग का काम ये करेगा और हमारा जो धोखा है जो उसका वो सही शेप में रहे। तो इस टाइप के घोल बिल्कुल इस टाइप के हमें बनाना है। और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक मिला दिया है। तो यहाँ पे तेल हो गया है गरम, और जो मैंने घोल बना के रखे थे ये वाले, इसी में मैं एक कोट हमें करना है, ताकि ये जब हम तेल में दें ये एक बाइंडिंग का काम करे और जो केक है ये दाल का जो हमने बनाया है पीस ये टूटे ना। तो यहाँ पे सब फ्राई हो गया है देखिए। तो यहाँ पे तेल में जो जीरा, तेजपत्ता और लाल मिर्च दिए थे वो गर्म कुक हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं छोटे साइज के दो आलू ऐसे टुकड़ों में काट लिया है और उसमें थोड़े से नमक भी दे दिया है मैंने, इसे फ्राई कर लेंगे।
तो गैस बंद रहते ही मैंने मसाला दिया। कढ़ाई काफी गर्म था, अगर मैं मसाला देती तो ये चारों तरफ गिर जाता, सारा मसाला गैस के बाहर कढ़ाई के बाहर जाता। इसलिए थोड़ी देर मैं इसी में चलाऊंगी, कढ़ाई काफी गर्म है, उसी में से आधा ये कुक हो जाएगा। थोड़ी देर मसाला कुक होने के बाद देखिए ये तेल ऊपर आ गया है। अब मैं धीरे धीरे इसमें दही मिलाऊंगी और साथ में चम्मच भी चलाती जाऊंगी। गैस बिल्कुल धीमे आंच पे है, तेज आंच में मत कीजिएगा नहीं तो दही ये फट जाएगा। ये सारा ये मैंने मिला लिया है देखिए, और अभी मैं थोड़ा सा पानी भी इसके साथ मिला दूंगी। तो अब मसाला अच्छे से कुक हो जाए, ये सारा दही मसाला एक साथ मिल जाए और आलू भी बॉईल हो जाए, तो हमारा धोखा का जो ग्रेवी है वो बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगा। इसे मैं ढक दूंगी अभी। इसे मैं अभी ढक दे रही हूँ। तो यहाँ पे मसाला हो गया है कुक, अभी मैं इसमें पानी मिला के थोड़ा सा कंसिस्टेंसी सही करने के लिए डाला है, तो और इसके अंदर ही मैं धोखा का जो बड़ा है वो दे मैंने दे दिया है। तो देखिए ये रेडी हो गया हमारा धोखा डालना, जो कि बहुत ही टेस्टी है। ये बड़े भी आप लोग देख लीजिए। तो रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यही रेसिपी आप अपने फ्रेंड्स के और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये बहुत ही एक टेस्टी डिश है, एक बार आप घर पर ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। तो मिलती हूँ आपसे फिर एक नए रेसिपी के साथ, तब तक मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय फ्रेंड्स।